अभी आप बात में थे, हाँ, ऐसा है कि अभी 23 और 24 तारीख से रीट की पात्रता परीक्षा हो रही है। अभी ट्रांसफर कर दिए जाते तो आप ये कहते कि रीट की परीक्षा हो रही है, मंत्री जी इन तबादले कर रही है, तो रीट की परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार जो उपयुक्त तबादले हैं वो कर दिए जाएंगे। रीट की परीक्षा इंडिपेंडेंटली बोर्ड करवा रहा है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीजी पुलिस, जिले के कलेक्टर्स, जिले के एसपी साहिबान, इन सब की कमेटी बनी हुई है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षाओं का आयोजन इस समिति के माध्यम से कराया जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया है उसमें 9 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 से 12 साल तक की जेल का प्रावधान। कोई भी व्यक्ति नकल कराने में सहयोग करेगा, नकल करेगा, उसके लिए ऐसे सख्त प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई भी व्यक्ति हिमाकत नहीं करेगा कि वो नकल करे या नकल को प्रोत्साहन।